हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में सेब के पेड़ों पर फैल रही एप्पल स्केब की गंभीर बीमारी। इस बीमारी की रोकथाम के लिए उद्यान विभाग निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश के बागवानों को सेब की इस बीमारी से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा, उप निदेशक उद्यान सूचना निदेशालय हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग ने बताया कि सही समय पर इस बीमारी की रोकथाम करने वाली दवाइयों का स्प्रे ना करने के कारण ये बीमारी फैलती है और अगर इसका उपचार नहीं किया जाए तो इसके कारण ये सेब के फल को भी खराब कर देती है और सेब बाजार में बेचने लायक नहीं रहता है। आपको बता दें कि अप्रैल महीने से सेब के पत्तों में नमी रहने से इस बीमारी के कीटाणु फैलते हैं। जी, मेरा नाम जेपी शर्मा है और विभाग में उद्यान विभाग में उप निदेशक उद्यान के पद पर कार्यरत हूं, निदेशालय उद्यान विभाग मोहर में। और ये सेब की फसल का एक गंभीर रोग है, लेकिन बहुत सारे काफ़ी समय से ये काफ़ी नियंत्रण में रहा है और कुछ एक दिनों से ये देखने में आया है कि इस रोग ने फिर से अपना प्रकोप दिखाया है और ख़ासकर इसमें मंडी जिला के थुनाग, जंजैहली, पथरियार, धीम कटारू और जिला शिमला के रोड़ू, खड़ापत्थर, जुब्बल कोटखाई, चढ़गांव, कुल्लू के नगर, भरा, हल्ला में, महौनी एरिया क्षेत्रों में ये काफ़ी क्षेत्रों में ये पाया गया है, देखा गया है। इसके प्रकोप, इसके लक्षण पत्तों में और फलों पर देखे गए हैं। और अगर हम बात करें कि विभाग इस रोग को कितना गंभीरता से ले रहा है, तो इसमें आपको जानकारी दूँ कि इस रोग को काफ़ी गंभीरता से विभाग लेता आया है। हर वर्ष इसके लिए छिड़काव सारणियाँ बनाई जाती हैं, हाई पावर कमेटी की बैठकें होती है जिसमें ये छिड़काव सारणियाँ तय की जाती हैं। इसमें उद्यान विभाग के सदस्य भी होते हैं और डॉक्टर राजेश परमार उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय से भी इसमें वैज्ञानिक शामिल किए जाते हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज के इसमें और कृषि विभाग से इसमें विशेषज्ञ रहते हैं। तो ये छिड़काव सारणी हर वर्ष स्कैब रोग नियंत्रण के लिए विभाग बनाता है और उसी के हिसाब से जो दवाइयाँ इसमें जिनकी सिफारिश की जाती है तो उनका विभाग समय रहते हर वर्ष वो इंतज़ाम प्रबंधन करता है और जगह जगह हर एक जिलों में जहाँ जहाँ हमारे सेब बहुल क्षेत्र है मैं ये दवाइयाँ उपलब्ध करवाता है। जिस तरह से आजकल ये रोग अपना प्रभाव दिखाना इसने शुरू किया है तो विभाग ने क्षेत्रीय स्तर पर, जिलों के विकासखंड स्तर पर इसकी निगरानी समितियां बनाई हैं और विशेषज्ञ खेतों में, बगीचों में बागवानों के साथ इसके दौरे कर रहे हैं, जागरूकता शिविर आयोजित कर रहे हैं। इन शिविरों में ना केवल विभागीय अधिकारी ही भाग ले रहे हैं बल्कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी हमारे साथ इसमें रहते हैं। पौध संरक्षण कार्यालय भारत सरकार चंबाघाट से भी इसमें अधिकारी रहते हैं ताकि बागवानों को इस गंभीर रोग की जानकारी, इसके पहचान, इसके लक्षण और इसकी रोकथाम के लिए अगर कोई लापरवाही ना करे तो इसकी उनको सिफारिशें की जाती हैं कि इसको गंभीरता से लें, क्योंकि ये इस तरह का रोग है कि पौधों पर ज़्यादा समय तक, जैसे अप्रैल माह से वातावरण में नमी अधिक रहती है और काफ़ी समय तक पत्तों पर नमी रहने से इस रोग के जो बीज है वो, बीजाणु है वो रोग अपना प्रभाव दिखाना पत्तों पर शुरू करते हैं। उसके बाद ये वहाँ से उस पत्तों पर से फैल करके आगे ये फलों पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं और फल जब रोग ग्रसित रहता है तो वो किसी भी प्रकार से उपयोग या बाज़ार में भेजने लायक वो फल नहीं बनता, फल का आकार भी बिगड़ जाता है तो हमारी पूरी की पूरी फसल वो नष्ट हो जाती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।